वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जीटेल इंफ्रा की बात की जाए तो 1.25 पे रिसेंटली यहाँ पे आप क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन जीटेल इंफ्रा ने। तो देख सकते कि इंट्रेंसिक वैल्यू की बात की जाए तो हम लोग इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू में इंसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई, पर सबसे पहले यहाँ पे देख सकते कि आरओई वर्सेस एफडी रेट भी इंसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई। तो रिसेंटली जो डिविडेंड्स की बात की जाए तो देख सकते स्टॉक अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न भी ऑफर नहीं करता है। तकरीबन यहाँ पे एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है। और फिर आते हैं नो रेड फ्लैग्स की बात आती है तो देख सकते कि स्टॉक एसएमजीएसएम लिस्ट में नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेस नहीं है। तो देख सकते कि तकरीबन न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे तो कोई खास न्यूज़ है क्या? कोई खास न्यूज़ नहीं है यहाँ पे जीटेल इंफ्रा के लिए। तो रिसेंटली देख सकते कि जीटेल इंफ्रा कर कम्युनिकेशन सर्विसेज में मुड़ता है स्टॉक। तकरीबन स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 1577 करोड़ का है। रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का स्टॉक है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर पी रेशो की बात की जाए तो देख सकते कि माइनस में पी रेशो, पी डिविडेंड ऑफर नहीं करता है स्टॉक, फॉरकास्ट रेटिंग अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे पीएस ग्रुप देखे जाए तो देख सकते इतने सारे पीएस ग्रुप है, बहुत सारे। फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखा जाए तो पिछले 4 सालों से जो है वो यहाँ पे आप देख सकते ब्लू कलर में जो रेवेन्यू है वो तकरीबन सेम रेवेन्यू है पिछले कांस्टेंट रहा है पिछले 4 सालों से। पर कंपनी पिछले 4 सालों से लॉस यहाँ पे दे रही, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, कंपनी लॉस देती हुई नजर आ चुकी है। तकरीबन देख सकते 1047 करोड़ का लॉस हो चुका है इस साल में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते जीटेल इंफ्रा के लिए।